जीबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। देवघर श्रावणी मेला में बड़ी संख्या में कांवड़ियों द्वारा देवघर के बाबा मंदिर में जलार्पण किया जा रहा है। 22 जुलाई से 30 जुलाई तक का आंकड़ा जिला प्रशासन ने जारी किया है। डीसी विशाल सागर ने बताया कि 9 दिनों में 13,70,000 श्रद्धालु बाबा को जलार्पण किए हैं। इनमें से 8,49,785 गर्भगृह से इतना श्रद्धालु नजर बंद किए और 5,02,379 बाहर अर्घा के माध्यम से श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा के साथ साथ मंदिर के आय स्रोत में भी वृद्धि हुई है। अभी तक कुल 1,10,78,000 की आमदनी बाबा मंदिर को विभिन्न स्रोतों से आई है। अभी तक की श्रावणी मेला में परिवहन विभाग विद्युत विभाग द्वारा लगभग 62 लाख रुपए का राजस्व वसूली किया गया है। इतना ही नहीं, नगर निगम ने भी लगभग 34,76,000 का राजस्व वसूल की है। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र में 22 क्यू और टीम एटीएस की 2 टीम डॉग स्क्वाड और बड़ी संख्या में पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। मेला क्षेत्र में पॉकेट मारी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी जगह जगह की गई है। एसपी और डीसी ने बताया कि जिस तरह से पहले 2 सोमवारी को सफल संचालक देते हुए आने वाले सोमवारी को पहल करने की बात बताई, सोमवारी को भी बेहतर और सुरक्षित श्रद्धालुओं को जलार्पण कराया जाएगा। सुनिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने। हो चुका है क्या कुछ और सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा कांवरियों को दी जा रही है? जी, जब से मेला स्टार्ट हुआ है 22 जुलाई 2024 से शुभारंभ हुआ मेला, यानी कि कल तक कुल 13,77,019 कांवरियों ने सफलतापूर्वक सुरक्षात्मक तरीके से बाबा को जलार्पण किया है। इसमें जो ये जो फिगर्स हैं, ये बाह्य अर्घा और अंदरूनी अर्घा जो है, दोनों के ही फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल फिगर्स करके कांवरियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे प्राथमिकता वाला बिंदु है। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि कांवरिया जब आ रहे हैं, एंट्री जब देवघर जिला में कर रहे हैं, तभी से हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए सर्वप्रथम ये किया गया है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। भारी वाहनों का प्रयोग संचालन कांवरिया रूट पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरा के द्वारा हम लोग नज़र रखे हुए हैं अपने इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम पे और कंपोजिट कंट्रोल रूम के माध्यम से। बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें जैसा कि अभी आपको एसपी साहब ने ब्रीफिंग में भी बताया, हम लोगों ने सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को रखा है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसको देख सकें। शिवगंगा में सर क्या सुविधा है, क्योंकि गहरा पानी है? शिवगंगा में क्योंकि जब श्रद्धालु आते हैं तो सर्वप्रथम शिवगंगा जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसके पश्चात फिर वो रूट लाइन में जाके लाइन में लगते हैं और बाबा के जल अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शिवगंगा में हमेशा किसी भी समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वहाँ पर NDRF की टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है। ये 30 जवानों की टीम है जो कि 3 शिफ्ट में कार्य करती है। उनके पास में बोर्ड्स अवेलेबल हैं और प्रकार के उनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे कि कांवरियों को बचाया जा सकता है। रेस्क्यू भी किया गया है। आज ही एक सुबह हमको जानकारी मिली है कि NDRF के द्वारा एक व्यक्ति जब शिवगंगा तालाब में बह रहे थे तो NDRF के जवानों ने बड़े अपने ब्रेवरी का ये दिखाते हुए उसको बचाया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने सराहनीय कार्य किया। आय का सर क्या कुल कितना अभी तक आए हुए हैं सर? मैंने जैसे आपको टोटल अभी आय का जो फिगर बताया था वो बाबा मंदिर से जो हमें विभिन्न आय प्राप्त हुए हैं वो 1,10,78,000 की आय है। इसमें जो दान पेटी में आय आ रही है, जो दान दिया जा रहा है वो है, उसके अलावा रसीद विभिन्न प्रकार की कटती हैं उनका भी इसमें अंग है और साथ साथ में सीख दर्शन के माध्यम से जो कूपन कटाए जा रहे हैं उसमें 60% का अंक यहाँ पे आता है बाबा मंदिर कोष में आता है उसका इसमें वो है। आने वाले दिनों के लिए क्या विशेष और कुछ मुकम्मल व्यवस्था होगी, क्योंकि ये सोमवार जो बड़ा चैलेंज पूर्ण रहा है? 2 सोमवार अभी तक हम लोग सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने में सफल रहे हैं। दोनों ही सोमवार को अलग अलग चैलेंजेस सामने आए थे। मुख्यतः चैलेंजेस हमारे लिए ये भी हैं कि इस वर्ष हमारे जो कई सारे अधिकारी हैं उनका ये पहला एक्सपीरियंस है श्रावण में ड्यूटी करने का। तो अवैध पार्किंग के लिए जो वैसे वाहन जो वहाँ पर अवैध रूप से लगाए जाते हैं उस पर हम लोग MV Act के तहत प्रोसिक्यूशन अभी तक कर चुके हैं, आपको पता है, पाक्षादी पर कर चुके हैं और
वाहन भी जब्त किए गए हैं, प्लस जो जिसका घर सामने है, जिसका वहाँ जिसका कैंपस है, अगर उस पर लगाया जाता तो उसके वाहन ओनर को भी हम लोग नोटिस देते हैं पब्लिक न्यूसेंस के रूप में, पहला नोटिस, और सेकंड नोटिस अगर मिलता है तो जेल भी जा सकते हैं। कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी पहुंची है, जो कुछ पुलिसकर्मी जो अपने पोस्ट पर सर समय उपस्थित नहीं हुए और अनुशासन दिए अनुशासन अभी तक दो ऐसे पुलिसकर्मी का वेतन धारित किया गया है, पर इससे अच्छी बात है कि अलग पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया है ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल इस खबर में तय, झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहे जीबीएन 24 न्यूज़।